स्वाद के किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल सब्जी, चने की दाल और टीणसी की सब्जी, जिसको हम आज बनाएंगे। मेरे पास छोटी छोटी और कच्ची टीणसी है, जिसको मैंने धो के तैयार रखा है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। चने की दाल और टीणसी की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आप अगर आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आप बार बार बना के खाएंगे। इसको आप एक बार बना के ट्राई कीजिए और खाइए। हम छोटी छोटी टीणसी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर टीणसी अंदर से पकी हुई हो तो उसको बीज निकाल के काटेंगे। टीणसी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। हमारी टीणसी कट के तैयार है और एक भगोली लेंगे, जिसमें हम तेल गरम करेंगे। हमारे पास चने की दाल है, जो रात को हमने भिगो के रखी थी, और लहसुन पेस्ट है, कटी हुई मिर्ची है। भगोली में हम तेल डालेंगे सब्जी बनाने के लिए। काफ़ी लोगों को टीणसी की सब्जी पसंद नहीं होती है, लेकिन अगर आप चने की दाल के साथ ये सब्जी बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। चने की दाल में हम मसाले डालेंगे, जिसमें धनिया पाउडर, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, चने की दाल के साथ हमने मसालों को डाला है और अच्छे से इसको चने की दाल में मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे लहसुन का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो। इसको हम अच्छे से तैयार तल लेंगे। तड़के के साथ मैंने लहसुन को यूज किया है। अब हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। इसको और लहसुन को अच्छे से तल लेंगे। तलने के जब अच्छे से लहसुन और कटी हुई मिर्ची तल जाए, उसके बाद हमने जो चने की दाल के साथ मसालों को तैयार किया है उसमें हम पानी मिक्स करेंगे और इसका चने की दाल के साथ पेस्ट बना लेंगे। और इसको हम डाल लेंगे कढ़ाई में, भगोली में। और अच्छे से इसमें हम इसको पकाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब हम टीणसी को डालेंगे चने की दाल के साथ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। अगर आपको सूखी सब्जी चाहिए तो पानी कम डालें, और अगर आपको रस्से वाली सब्जी चाहिए तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं आप।
अब हम इसको ढक दे देंगे ताकि ये अच्छे से पक के तैयार हो जाए 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी सब्जी चने की दाल और टीरसी की सब्जी बनकर तैयार है। टीरसी अच्छी तरह से पक गई है, जिसको हम चम्मच से काट कर भी देख सकते हैं कि टीरसी पक गई है या कच्ची है। ये हमारे पास है आज की स्पेशल टीरसी और चने की दाल की सब्जी, जिसको आप बनाकर खाइए और टेस्ट कीजिए। आपको टीरसी की सब्जी और चने की दाल की मिक्स सब्जी आपको पसंद आएगी। इसको हम पराठे और चपाती के साथ खा सकते हैं और बाजरे की रोटी के साथ भी टीरसी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। टीरसी की सब्जी को हम बाजरे की रोटी के साथ खा सकते हैं। बाजरे की रोटी के साथ टीरसी और चने की दाल की सब्जी आपको बहुत अच्छी लगेगी।